हम देखते हैं कि अकुमो अपने साथ ड्रैगन बॉल को लेकर उन सभी एंजल के पास चला जाता है और उन सभी एंजल से कहता है, आखिरकार मुझे ड्रैगन बॉल मिल गए, अब मैं अपने सैयन वॉरियर को जिंदा कर पाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी एंजल अकुमो से कहते हैं, जो कुछ भी तुम कर रहे हो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारा अंजाम बहुत ही बुरा होने वाला है। तुम यूनिवर्स के नियम के विरुद्ध काम कर रहे हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। अकुमो फिर इसके बाद कहता है, अब तुम जैसा बेवकूफ एंजल मुझे यूनिवर्स के नियम समझाएगा, अपना मुंह बंद रखो वरना तुम दोबारा बोलने के लायक नहीं रहोगे। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी के सभी एंजल्स चुप हो जाते हैं और फिर अकुमो इसके बाद कहता है, तुम सभी एंजल्स के साथ मेरे वॉरियर्स रहेंगे और वो होंगे इन सभी यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, और फिर उसके बाद इस पूरे ब्रह्मांड का नियम मैं बनाऊंगा और मैं जो चाहूंगा सब कुछ मेरी मर्जी से होगा। तभी उनमें से एक एंजल कहता है, तुम्हारी कोई भी और किसी भी काम में हम में से कोई भी मदद नहीं करने वाला, चाहे तुम कुछ भी क्यों ना कर लो। अकुमो ये बात सुनके उस एंजल पर गुस्सा हो जाता है और वो उस एंजल पे अपने की ब्लास्ट से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक खतरनाक धमाका होता है और वो एंजल मर जाता है। इसके बाद फिर अकुमो उन सभी से कहता है, क्या तुम सब में से और कोई भी कुछ कहना चाहता है, तो उसका हश्र भी बिल्कुल यही होगा जो कि इसके साथ हुआ। अकुमो को ऐसा करता देखकर सभी एंजल बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वो सभी अकुमो से कुछ भी नहीं कहते। इसके बाद हम देखते हैं कि अकुमो ड्रैगन बॉल की मदद से ड्रैगन को बुलाने की तैयारी करने लगता है। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिरेन अपने यूनिवर्स में होता है और वो काफी गुस्से में था और वो कहता है, मैं बस उस सैयन तक एक बार पहुंच जाऊं, उसके बाद मैं उससे हर एक चीज का बदला लूंगा, उसने जो कुछ भी किया। इसके बाद फिर जिरेन यूनिवर्स 7 में जाने की तैयारी करने लगता है। गोकू और वेजिटा काफी परेशान हो रहे होते हैं कि आखिर वो उस जगह से कैसे बाहर निकले और वो उस अकुमो को कैसे हरा सकते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। वेजिटा गोकू से उस बारे में बात ही कर रहा होता है कि अचानक से उन दोनों को एक आवाज सुनाई देती है जो कि उनसे कहता है, मैं तुम्हें उसे हराने का रास्ता बता सकता हूँ लेकिन वो काफी मुश्किल है। गोकू और वेजिटा अचानक से उसकी आवाज़ सुन के बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं। गोकू कहता है, आखिर ये किसकी आवाज़ है। इसके बाद फिर वो आवाज़ कहती है, ये मेरी जगह है और तुम दोनों मेरी जगह पर हो। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि वेजिटा कहता है, हम यहाँ पर खुद से नहीं आए हैं, हमें यहाँ पर भेजा गया है और वो ग्रैंड प्रिंस थे जिन्होंने हमें यहाँ पर भेजा। इसके बाद वो आवाज़ कहती है, मैं ये सारी बातें जानता हूँ, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों मेरी जगह पे हो। इसके बाद गोकू काफी कंफ्यूज होता है और वो उससे कहता है, हे मेरी बात सुनो, तुम जो भी हो क्या तुम सामने आकर बात नहीं कर सकते। इसके बाद फिर वो कहता है, मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा, तुम लोग मेरे पास आओ। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा अचानक से वहाँ से गायब हो जाते हैं लेकिन वो एक अजीब से इंसान के सामने खड़े होते हैं। गोकू और वेजिटा उसे देखकर कहते हैं, हे वेजिटा क्या तुम इसे देख रहे हो, ये काफी अजीब सा और गोल मटोल भी है, आखिर ये है कौन। इसके बाद फिर वो अजीब सा दिखने वाला जीव कहता है, मेरा नाम मास्टर जुनो है और मैं सब कुछ जानता हूँ। क्या वाकई में, अगर ऐसी बात है तो क्या आप हमें उस अकुमो के बारे में कुछ बता सकते हैं कि हम आखिर उसे कैसे हरा पाएंगे, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद फिर मास्टर जुनो कहते हैं, तुम दोनों में से कोई भी उसे नहीं हरा सकता क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, उसे हराने के लिए तुम्हें लाखों साल बिना रुके लगातार ट्रेनिंग करनी होगी। जुनो की ये बात सुनकर वेजिटा और गोकू काफी चौंक जाते हैं और फिर इसके बाद गोकू कहता है, क्या आप ये क्या कह रहे हैं, हमें उतने सालों तक ट्रेनिंग करनी होगी, लेकिन आखिर ये कैसे संभव है। अगर हमने उतने सालों तक ट्रेनिंग करके वो ताकत को अचीव भी कर लिया तब तक वो सब कुछ खत्म कर चुका होगा, क्या आप हमें कोई और तरीका नहीं बता सकते। इसके बाद फिर मास्टर जुनो गोकू और वेजिटा से कहते हैं, एक तरीका है जिससे कि उसे हराया जा सकता है। इसके बाद गोकू कहता है, क्या सच में, आखिर क्या है वो। इसके बाद फिर जुनो कहता है, मैं कुछ भी तुम्हें यूं ही नहीं बताने वाला, तुम्हें मुझे उसके बदले में कुछ देना होगा। इसके बाद फिर गोकू उससे कहता है, आखिर मैं आपको क्या दूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसके बाद फिर जुनो कहता है, मुझे जो चाहिए वो तुम्हारे पास है। इसके बाद वेजिटा कहता है, मुझे साफ साफ बताओ कि तुम्हें आखिर क्या चाहिए। इसके बाद फिर जुनो कहता है, मुझे तुम दोनों के थोड़े से बाल चाहिए। गोकू जुनो की ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और फिर उनसे कहता है, क्या आखिर आप हमसे ये सब क्यों मांग रहे हैं, आप हमारे बालों का क्या करेंगे। इसके बाद जुनो कहता है, मुझे तुम दोनों के थोड़े से बाल चाहिए। गोकू जुनो की वेजिटा दोनों अपने बालों का थोड़ा सा हिस्सा
जूनो को दे देते हैं। इसके बाद फिर जूनो उन दोनों से कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम दोनों मिलकर अकुमो को कभी भी नहीं हरा सकते, क्योंकि वो सभी सैयंस का पिता है और वो सभी मल्टीवर्स पर शुरुआत से रूल करना चाहता है। लेकिन फिर भी अगर तुम उसे हराना चाहते हो तो तुम्हें लाखों सालों तक बिना रुके डायमेंशन गैप के अंदर ट्रेनिंग करनी होगी। इसके बाद गोकू जूनो से कहता है, लेकिन हम ये कैसे करेंगे? अगर हमने ये किया तब तक अकुमो सब कुछ खत्म कर चुका होगा और वो और भी ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। आखिर हम ये कैसे कर सकते हैं? इसके बाद फिर जूनो कहता है, ये तुम दोनों के लिए बहुत ही मुश्किल है। तुम में से सिर्फ एक ही उस डायमेंशन गैप में जा सकता है, क्योंकि उसकी ग्रेविटी बहुत ही ज्यादा है। वेजिटा उसे नहीं झेल पाएगा। इसके बाद फिर वेजिटा कहता है, लेकिन आखिर इसका फायदा क्या होगा? कैकरोट अगर वहाँ जाता भी है तो वो सालों के बाद ताकतवर होकर बाहर आएगा, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका होगा, कुछ भी नहीं बचेगा, और हो सकता है उस समय तक अकुमो और भी ज्यादा ताकतवर हो जाए। इसके बाद फिर जूनो कहता है, मेरी पूरी बात सुनो वेजिटा, मैंने कहा कि अगर कैकरोट जाए तो, लेकिन वहाँ पर पहले से ही एक सैयन है जो कि कई लाखों सालों से वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा है, और वो शायद तुम्हारी मदद कर सकता है। इसके बाद फिर गोकू कहता है, क्या वाकई में आप ये क्या कह रहे हैं? क्या वहाँ पर भी कोई ऐसा सैयन है जो कि इतने सालों से वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा है? लेकिन आखिर वो है कौन? इसके बाद फिर जूनो कहता है, वो मैं तुम्हें तभी बताऊंगा जब तुम दोनों मुझे अपना थोड़ा थोड़ा खून दोगे। बात समझ गया। ये कहने के बाद वो दोनों आखिरकार जूनो को अपना थोड़ा थोड़ा खून दे देते हैं। इसके बाद फिर जूनो कहता है, जो इतने सालों से उस डायमेंशन गैप में ट्रेनिंग कर रहा है वो और कोई नहीं बल्कि पहला सुपर सैयन गॉड यामोशी है, और वो ही है जो कि अकुमो को हराने में तुम्हारी मदद कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा जूनो की ये बात सुनकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और उससे कहते हैं, आखिर आप ये क्या कह रहे हैं? यामोशी तो कई सालों पहले मर चुका है, ड्रैगन ने हमें ये बात बताई थी। इसके बाद फिर जूनो कहता है, नहीं, यामोशी मरा नहीं था, बल्कि वो इतने सालों से सबसे ज्यादा ताकतवर बनने के लिए डायमेंशन गैप में लगातार ट्रेनिंग कर रहा है, और अभी भी उसकी ट्रेनिंग जारी है। इसके बाद गोकू और वेजिटा कहते हैं, लेकिन आखिर ये कैसे हो सकता है? मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या ड्रैगन की बातें झूठी थी? इसके बाद फिर जूनो कहता है, ड्रैगन ने बिल्कुल सच कहा था, जब यामोशी सुपर सैयन गॉड बना तो वो ये भी चाहता था कि दुनिया में क्या हो रहा है उससे पता चलता रहे। वो एक प्योर हार्ट सैयन था और वो 5 प्योर हार्ट सैयन के ताकत से मिलकर बना था। उसके बाद वो 5 प्योर हार्ट सैयन उस लड़ाई में मारे गए, लेकिन यामोशी काफी ताकतवर था इसलिए वो जिंदा बच गया। उसने सभी को हरा दिया। यामोशी को और भी ज्यादा ताकतवर बनना था और फिर उसने ड्रैगन बॉल की तलाश शुरू कर दी। उसने आखिरकार किसी तरीके से सारे ड्रैगन बॉल को इकट्ठा कर लिया और जब उसने ड्रैगन से विश मांगी कि मुझे सबसे ताकतवर बनना है, मुझे उसके लिए तरीका बताओ, तो डायमेंशन गैप के बारे में बताया और वो ये चाहता था कि बाहरी दुनिया की भी उसे खबर रहे, तो उसने अपने एक सोल को बाहरी छोड़ दिया, जिसकी वजह से ड्रैगन को लगता था कि यामोशी मर चुका है। लेकिन वो तुम्हारे साथ हमेशा था गोकू, जब तुम लॉर्ड बीरस के साथ लड़ रहे थे उस वक्त भी। इसके बाद गोकू कहता है, इसका मतलब यामोशी का सोल? इसके बाद जूनो कहते हैं, गोकू तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, यामोशी का सोल तुम्हारे अंदर है, इसी कारण तुम हमेशा बार बार काफी ताकतवर बन पाए, यहाँ तक कि टूर्नामेंट ऑफ पावर में भी। गोकू उसकी ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और उससे पूछता है कि वो हमें आखिर कहाँ मिलेगा, मुझे बताइए जूनो। इसके बाद जूनो कहता है, मैं इससे ज्यादा तुम्हें और कुछ भी नहीं बता सकता, मुझे देर हो रही है, मैं अब चलता हूँ। इसके बाद गोकू जूनो से कहता है, मुझे ये तो बता दीजिए कि मैं उस तक आखिर कैसे पहुँचूंगा। इसके बाद जूनो कहते हैं, बोलो मत गोकू, यामोशी का सोल तुम्हारे अंदर है, तुम्हें अपने अंदर की गहराई में झांकना होगा, वो तुम्हें उस तक खुद ही पहुंचा देगा। ये कहने के बाद जूनो वहाँ से चला जाता है। गोकू जूनो की ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कहता है, यानी कि इसका मतलब ये है यामोशी का सोल हमेशा से मेरे अंदर है, मुझे यकीन नहीं होता। इसके बाद वेजिटा गोकू से कहता है, कैकरोट ये सारी बातें हम बाद में करेंगे, पहले हमें उस डायमेंशन गैप तक पहुंचने का रास्ता ढूंढना होगा, पता नहीं आखिर वो कहां होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें अकुमो का सीन दिखाया जाता है और वो कह रहा होता है, हे ड्रैगन बाहर आओ और मेरी इच्छा पूरी करो। तभी हम देखते हैं कि यूनिवर्स 11 का ड्रैगन अकुमो के सामने आता है और वो उससे कहता है, मैं तुम्हारी कोई एक इच्छा पूरी करूंगा, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। इसके बाद फिर अकुमो कहता है, मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे सभी सैयन वॉरियर्स को जिंदा कर दो। ड्रैगन उसकी ये बात सुनके कहता है, नहीं मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि ये हजारों साल पहले की बात है,
कोई भी ड्रैगन इस इच्छा को पूरी नहीं कर सकता सिवाय गोल्डन ड्रैगन के। लेकिन मैं तुम्हारे एक वॉरियर को जिंदा कर सकता हूँ क्योंकि मेरी ताकत इतनी ही है। क्या तुम ये चाहते हो तो बोलो। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि अकुमा उस ड्रैगन से कहता है, ठीक है ड्रैगन, मैं चाहता हूँ कि तुम राइकॉन को जिंदा कर दो। इसके बाद हम देखते हैं कि ड्रैगन राइकॉन नाम के एक सैयन को जिंदा कर देता है और वो वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि उन सभी के सामने राइकॉन खड़ा होता है और सभी एंजल्स उसे देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं क्योंकि वो सैयन एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन था जिसे कि बहुत ही पहले मार दिया गया था।